नमस्कार, मैं नितेश सिंह और आप देख रहे हैं रबसी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश के पीछे आखिर किसका दिमाग है, किसका यह मास्टरमाइंड है, किसका हाथ है? दरअसल बेगूसराय में भगवा झंडे पे असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है और इस तरह के असामाजिक तत्वों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। सुपौल में भी दो जगह पर बजरंग बली की मूर्ति से छेड़छाड़ की गई है। जी हाँ, अब आस्था के साथ भी असामाजिक तत्वों के लोग छेड़छाड़ करने लगे हैं। गोपालगंज में भी ऐसी ही घटना सामने निकल कर आई है। गोपालगंज में दुर्गा मंदिर के पास बने पिंडी को भी असामाजिक तत्वों के लोगों ने तोड़फोड़ कर उस पिंडी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस तरह से असामाजिक तत्वों ने पूरे त्राहिमाम मचा दी है। इसके बाद भाजपा के तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी निकल कर सामने आई है। इस रिपोर्ट में देखिए कि भाजपा की प्रतिक्रिया इस पर प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का क्या आया है। बिहार में आपसी सद्भाव का माहौल बिगाड़ने में किसी का सातिराना दिमाग काम कर रहा है। एनडीए सरकार के गठन में कुछ खेला तो हो नहीं पाया, अब लोकसभा चुनाव के पहले कुछ ऐसा खेला करा दिया जाए जिससे आमजनों के आपसी रिश्ते में कटुता आए, जिसका राजनीतिक लाभ ठगबंधन को मिल सके। वैसे नेताओं को यह जानना और समझना जरूरी है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ठगों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। दरअसल जब से राज्य में विश्वास यात्रा निकली है, तब से राज्य के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का कुचक्र शुरू हुआ है। बेगूसराय में भगवा ध्वज में आग लगाने, सुपौल में बजरंगबली की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ व गोपालगंज में धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की घटना इसी साजिशाना दिमाग का हिस्सा है। बिहार को लूटने वाले ठगों, आपकी इस हरकतों को सूबे की जनता देख रही है, समझ रही है। आपकी तुष्टिकरण की नीति कभी सफल नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता आपका सुपड़ा साफ कर जवाब देगी। राजद, कांग्रेस और उनके साथियों का मानना है कि सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का सीधा सीधा फायदा मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण के रूप में होता है। इसीलिए राजद और कांग्रेस के समर्थक जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे जिससे सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचे। चाहे वो बेगूसराय की घटना हो या बिहार में अन्य जगहों की घटना हो, जहां हमारे सनातनी देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, भगवा झंडे का अपमान किया जा रहा है, ये सब राजद के समर्थक करवा रहे हैं। ये सीधे सीधे तेजस्वी की यात्रा का प्रतिफल है, क्योंकि तेजस्वी और उनके गैंग का मानना है कि मुस्लिम तुष्टिकरण का सबसे सरल उपाय सनातनी भावनाओं का अनादर है। ऐसे ही तमाम और अच्छी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको कैसे वीडियो अच्छे लगते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल अब दीसी मुझसे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।